करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में कार्यरत NHM संविदा कर्मियों की 15 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी में हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहाँ इस विशाल धरना प्रदर्शन में मुख्य मांग रही संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर दिखा आक्रोश संविदा कर्मियों में। वही हम आपको बता दें, धरना प्रदर्शन में डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी, आयुष मेडिकल ऑफिसर RBS के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, जिला महामंत्री राजू यादव, संरक्षक चंद्रशेखर यादव उर्फ लड्डू संजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष सोहेल अख्तर, जिला सचिव इमरान हाशमी, पैरामेडिकल RBS के कुशीनगर। आपको बता दें, कुशीनगर जिले से लगभग 200 से भी ज़्यादा लोगों ने पहुंचकर हज़ारों लोगों ने किया आंदोलन। वहीं सरकार से करी मांग पूरी करने की डिमांड की, मुख्य मांग रही वेतन विसंगति को लेकर के। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी के मुख्यालय पर दिखा संविदा कर्मचारियों का आक्रोश। बताइए अपनी समस्याएं, ये डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र। हंगामा टाइम्स न्यूज समय आप स्क्रीन पे देख, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों का ये धरना है, जो उत्तर प्रदेश के जिला से लोग आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर ये आए हुए हैं। और इनका क्या कहना ये जानते हैं और इनसे क्या कहना चाहिए। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है, जिला अध्यक्ष कुशीनगर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। ये भीड़ किस लिए आज जमा हुई है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए, क्या मांगे हैं? इसमें प्रदेश के कोने कोने से, हर जनपद से संविदा NHM कर्मचारी आए हुए हैं और हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर के हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें से हमारी प्रमुख तीन मांगे जो थी वो लंबी थी, लगभग 3 साल से, लेकिन जो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, हमारा बीमा पॉलिसी शासन द्वारा लागू कर दिया गया है। अभी दो मांगे हमारी अधर में हैं, जो प्रमुख मांगे हैं, पहला वेतन विसंगति और दूसरा ट्रांसफ़र पॉलिसी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हमारा होता था, जिसको बंद कर दिया गया है। हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के साथ ही रिक्त पद के सापेक्ष ट्रांसफ़र चाहते हैं, ताकि जो हमारे संविदा कर्मचारी अल्प वेतन भोगी हैं, दूर दराज के जिलों में जाकर के नौकरी करते हैं, हजार हजार किलोमीटर की दूरी पर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, वो उतने में जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण क्या करेंगे। ऐसी परिस्थिति में उनका ट्रांसफ़र नितांत आवश्यक है, जो शासन ने रोक रखा है और मजबूर कर दिया है कि हम लोग प्रदेश के कोने कोने से आकर के आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। पहले कोई वार्तालाप हुआ है कि आज सिर्फ धरने पर? नहीं, इसके पहले हम लोगों ने कई बार बीच में भी एक दो दिन का धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद से लगभग एक हफ्ते से हमारा जो है स्टेप वाइज धरना चल रहा है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने काला फीता बांध करके ड्यूटी किया सांकेतिक हड़ताल के रूप में, उसके बाद एक घंटा अधिक कार्य करके हम लोगों ने सांकेतिक हड़ताल किया, फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। अंततोगत्व हम लोग यहाँ आने के लिए विवश हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि MD महोदया द्वारा हमारी मांगों को माना जाएगा और न्याय किया जाएगा संविदा कर्मचारियों के साथ। हम जनपद कुशीनगर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो धरना दिया है, किस बात से आहत हो आप लोग, ये लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, ऐसी क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही? ये मांगे हम लोगों की 15 सूत्री मांगे हैं और उसमें एक भी मांग इन लोगों ने प्रॉपर वे में पूरा नहीं किया है। सबसे प्रमुख मांग में वेतन विसंगति है। वेतन विसंगति का यह है कि एक ही कैडर में कार्यरत डॉक्टर
जैसे मैं आरबीएसके में कार्यरत हूँ, आरबीएसके में आयुष की सैलरी अलग है, बीडीएस की सैलरी अलग है, एमबीबीएस की सैलरी अलग है, जबकि एक ही काम है, एक ही समान जो है मतलब वर्क है, तो समान वर्क के लिए समान वेतन होना चाहिए। उसे आपकी आय बढ़ी नहीं? कोई नहीं बढ़ी, जो जनरल इंक्रीमेंट रहता है 5% का, बस उतना ही जो इन्होंने ग्रोथ किया है, जबकि यही अपने बगल का जो स्टेट है बिहार राज्य है, वहाँ 35% का इंक्रीमेंट देके लगभग परमानेंट के पैरेलल कर दिया गया है, 2-3 हज़ार का परमानेंट, और ये संविदा कर्मियों में डिफरेंस है। आज की मांग नहीं पूरी होती तो क्या? आज की मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग जो है यहाँ पर घेराव करेंगे, इसके बाद विधानसभा का घेराव करेंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ आमरण अनशन करेंगे, लगातार ये क्रमिक रूप से चल। आप लोग, आप कहाँ से? मैं जनपद सीतापुर से हूँ, पीयूष वाजपेयी। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसे जो मूलभूत ज़रूरतें हैं रोटी कपड़ा और मकान, ऐसे हमारी सरकार को हमारे प्रति सोचना चाहिए, जो न्यूनतम वेतनमान है वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। जैसे परमानेंट कर्मचारियों को HRA दिया जाता है, हमारे जो कुशीनगर का कर्मचारी है और अगर कोई जनपद बांदा में कार्य कर रहा है तो 2 से 3 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है, और जहाँ तक आपका अर्थशास्त्र बता होना चाहिए कि जो 10 ग्राम सोने की कीमत होती है वही घर का खर्चा होता है, एक घर का खर्चा चलाने के लिए 40 हज़ार रुपये न्यूनतम चाहिए आपको, आप देख लीजिएगा, जो कि नहीं है, न्यूनतम हमारा 12,000, 13,000, 15,000 है, और जो वेतन विसंगति यहाँ से दूर हो सकती है जिसमें उसको अतिरिक्त कुछ करना नहीं है, भाई हमको हमारे जनपद गृह जनपद में तैनाती दे दीजिए तो हमको अपने घर से खाना कपड़ा मिल जाएगा, हम उतने कम संसाधन में उसका प्रयोग कर लेंगे। गृह जनपद में मिलना चाहिए, या तो हमारा वेतन इतना कर दीजिए, अगर आप हमारी तुलना अगर आप परमानेंट कर्मचारी से कर रहे हैं तो हमको HRA TA DA के बराबर समान कार्य समान वेतन दे दीजिए, हम खुश हो जाएंगे उसमें, और मुझे पूरी उम्मीद है बाबा बड़े दयालु हैं और वो हम लोगों की सुनेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहिए आज ही का दिन क्यों चुना आप लोग? नहीं, ये पर्टिकुलर ये कई दिनों से सांकेतिक हड़ताल था, इसके पहले भी हम लोग कम से कम 6-7 बार जो है आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन एक भी मांग पे इस सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, लिहाजा हम लोगों को क्रमिक कंसर्न करते हुए पहले काला फीता बांध के हम लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया, उसके बाद से ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है CM कार्यालय को, इसके बाद से हम लोगों ने ऑनलाइन वर्क जो है बंद किया, और तब मजबूर होकर हम लोग जो है MD कार्यालय पहुँचे हैं, बस हमारे साथ इतना ही बाबा दयालु आदमी है, इतना ही कर दे कि हमारे बगल के राज्य जो बिहार का राज्य है उसी का शासनादेश उठा के UP में लागू कर दे, हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। आप कहाँ से आए? कुशीनगर से मैडम। हमारी मुख्य मांगे, प्रमुख 3 मांगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेतन विसंगति, जिसमें समान कार और समान वेतन हो। दूसरी मांग है ट्रांसफर पॉलिसी और जॉब सिक्योरिटी जो है। 3 मांगे प्रमुख मांगे हैं। महिला शक्ति हमारे सारे क्या कहना चाहिए? कानपुर से हैं। क्या कहना? हम भी यही कहना चाहते हैं, जैसे बिहार में काफ़ी पोस्टिंग जो कानपुर में है जी, क्या आपको क्या आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि नहीं कुछ करें, कम से कम वेतन कर दें, हम लोगों का इस योग्य कर दें कि हम इतने दूर रह के अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के ऊपर न गिड़गिड़ाए, न रोए, न छोटी छोटी बातों के लिए किसी और से कहने जाएं। हम यही चाहते हैं, या तो नहीं कुछ कर सकते तो हम लोगों का गृह जनपद ट्रांसफ़र कर दें। महिला और मैम जी जी, हम लोग कानपुर से हैं, हम लोग NM पोस्ट पर हैं। हम सारी फ्रेंड्स आए हैं अपने कानपुर से, हम लोग 10 साल से जॉब कर रहे हैं, इसमें ना कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, ना कोई हमारी सैलरी बढ़ रही है, ना हमें परमानेंट किया जा रहा है। मेरा ये है कि मुझे परमानेंट किया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले और मैं 10 साल से कानपुर में NM के पद पे हूँ मैं, और मैं आजमगढ़ से हूँ और मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। समझ लीजिए 10 साल में मात्र 10,000 रुपये में बताइए कैसे अपने बच्चों को पाला जाए। हम क्या 10,000 में क्या हमारा घर चल सकता है? किसे आ जाए अभी? बोले बोले मैडम, एक मिनट। हम लोग कानपुर देहात से कोविड कर बता रहे हैं, 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जब महामारी आई थी तो हम लोगों को लगाया गया था, अब इसके बाद निकाल दिया गया। 2 बार ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गए, उन्होंने हम लोगों को बोला कि आपको मतलब कर हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोगों को लेटर दिया गया, उसके बाद जहाँ जिले में CMO और DM ने वहाँ से आदेश नहीं माना। मैम, CMO और DM बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, यहाँ से आदेश भी चले गए समायोजन के, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। और सब क्या सैलरी है? सैलरी मेरी 7,000 रुपये, 11,000। हाँ मैम, मेरी 10,000 आपकी सैलरी। इस समय हमारी सैलरी 15,000 रुपये। मैम सुनिए, तो जो भी हमारी सैलरी है जो हमें वहाँ से चल के आता है, हमारा आउटसोर्सिंग के थ्रू कर दिया गया है, जिसमें से 18% GST काट के हमको मिलता है वेतन, और वहाँ से चलता तो है लेकिन बिचौलिए के माध्यम से जो हमारा वेतन कटौती होता है, इससे हम न्यून वेतन पाते हैं। हम लोगों को शुरू में कोविड के दौरान रखा गया था,
छः महीने का हमारा एक्सटेंशन होता था, धीरे धीरे उसको एक एक महीना कर दिया और अब एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं। महिलाओं से भी जानते हैं कुछ डॉक्टर्स महिलाएं क्या? हम लोगों के रिक्त एवं म्यूचुअल ट्रांसफर ये नहीं खोल रहे हैं जिससे हम लोग मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं। आप किस? हम चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं जी। पाक पोस्ट रसूलाबाद कानपुर देहात, नहीं नहीं फरुखाबाद के रहने वाले हैं। हाँ अपने शहर में चाहिए? और लोगों से? मैं बस्ती जनपद से आया हूँ मैडम। हम सब कोविड के दौरान भर्ती निकाली गई थी, सरकार के यहाँ से आदेश आया था कोविड के दौरान भर्ती किए गए एक बड़ी संख्या में कोविड कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से भरे गए थे। अब कगार यह है कि सारे कोविड कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, एक बड़ी संख्या में स्वास्थ्य महकमे में लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग दो बार ब्रजेश पाठक के यहाँ घेराव कर चुके। डिप्टी सीएम साहब का जो भी बयान आता है कुल पूरा घुमा के आता है, उनका तो बिक जाता है, उनका जो पेपर में खबर छप जाए वो बिक जाता है। लाचार तो हम लोग हुए ना, कोविड के दौरान जब कोई घर से नहीं निकल रहा था तो यही कोविड कर्मचारी थे, लोगों की जान बचा रहे थे। और आज ये आ गया कि देखिए आप इतने बड़ी संख्या में देख रहे हैं, पूरे कोविड कर्मचारी और एनएचएम के भी लोग इसमें हैं, वो सब अपनी समस्याएं लेकर यहाँ आए हैं। अगर आज कोई फैसला नहीं होता है तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जब लाशें घर का कोई नहीं छूता था उस टाइम हमारे कोविड कर्मचारियों ने लाशों को इधर उधर। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से आप? हम लोग सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हैं। हम इमरजेंसी ट्रामा के टेक्नीशियन हैं। कोविड टाइम पे हम लोगों को रखा गया था, उसके बाद अभी तक समायोजन के लिए बात हो रही, बात नहीं हो रही। क्या नाम है? सूरतगंज। सूरतगंज किस पद? ए नाम। क्या मांग? परमानेंट किया जाए मैम। परमानेंट नहीं? नहीं 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 सब जो लोग सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। क्या? सरोज सिंह है ना, हम आए कुशीनगर से। क्या मांगे हैं आपके, किस पद? हमारे मांग यही है कि सामान्य कार सामान्य वेतन हो या हमको परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम लोग 10 साल से जॉब करने आए हैं, डिग्री लेके आए हैं, हम लोग में कोई अच्छी नहीं। हम कितना खर्चा हो 10 डिग्री? 3 लाख से बेसी हो जाता है। सैलरी क्या है मिली आप? 10-11 हज़ार। अब वही 12-13 हज़ार रुपया पन। कोई नहीं बस। जहाँ आप रहते हो वही पोस्टिंग है? बस वही पोस्टिंग है, कहीं नहीं भेजा गया हम लोग को। और लोग जिनको अलग अलग समस्याएं क्या? देखिए मैं पूर्व जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर एनएचएम संघ का हूँ और विगत कई वर्षों से मैं लोगों को देख रहा हूँ, जो कि मैं 2015 में जॉब में आया, मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हूँ। हमारी जो मांगे हैं सरकार को पता है, और इस मैसेज को मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी यहाँ पर बहन बेटियाँ हमारी सब आई हैं, जो आज के डेट में वो कर्मचारी हैं, अगर कोई एनएम के पोस्ट पे है और जो परमानेंट एनएम है, अगर ये 5 साल से संविदा पे नौकरी कर रही हैं, तो इनको पिछले कई वर्ष की जो सरकार थी इनको परमानेंट कर दिया गया था एनएम को। अब ये सरकार बार बार क्यों संविदा पे भर्ती निकाल रही है? पहले तो जो पहले से कार्यरत हैं और संविदा पे नौकरी 5 साल का ले, उनको पहले परमानेंट करें। दूसरी चीज़ें जो हमारे यहाँ स्टाफ नर्स लेबर रूम में हैं, जो दिन रात मेहनत करके बच्चे और माँ को पालती हैं, उनको एक दूर दराज जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है वहाँ उनको उस बच्चे का जन्म करवाती हैं, जिनको जीवित रखती हैं, ऐसी स्टाफ नर्स को जो है वो परमानेंट नहीं करें। सरकार कब जगेगी? क्या उन अंधी हो गई सरकार? क्या वो राजनीति करना चाहती है ऐसे लोगों के साथ में? ये हजारों लाखों के संख्या में नच्चे में स्वास्थ्य विभाग में भरे हैं। कोई भी सीएससी या पीएससी आप उसको उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा एनएचएम के कर्मचारी हैं। यहाँ तक आरबीएस के एक टीम बनी हुई है जिसमें 2 टीमें होती हैं प्रत्येक ब्लॉक में और 2-2 डॉक्टर होते हैं उस टीम में। क्या वो डॉक्टर जो है वैसे संविदा पे भुक्तभोगी बन के काम करते रहेंगे? क्या उनको परमानेंट सरकार नहीं कर सकती है? और आप जो है टाइमली समय से ड्यूटी करते हैं, जीपीएस से फोटो लेते हैं, यहाँ तक आरबीएस को वालों के लिए यही एनएचएम की जो बिल्डिंग है यहाँ से उनकी ट्रैकिंग किया जा रहा है प्रत्येक जिले में कि आप फील्ड में हो कि नहीं हो, उनको विश्वास नहीं होता है। काम भी करवाते हो, कैसी सरकार तुम्हारी है, कैसा तुम्हारा एनएचएम ऑफिस यहाँ बना के बैठे हो? क्या इसने 10 साल तक हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, उनको भी मैं संविदा की नौकरी करवाऊंगा? अरे सरकार के लोगों जागो, यहाँ एमडी मैडम भी जागो। अरे हमारे ये जो बहन बेटियाँ दूर से आई, जो ललितपुर गाजियाबाद से दूर दराज से मतलब कल से चल के आज यहाँ पर पहुँची है, कितने लोग रास्ते में हैं, उनको कौन हिसाब देगा? जिनके माँ बाप देख रहे हैं मेरी बेटी जा रही है, अभी रास्ते में कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार देगा? 15,000-10,000 की सैलरी करवा रहे हो। और रही बात कोविड के दौरान में, जितने भी एनएचएम के कर्मचारी थे या हमारे डॉक्टर थे, 3 रात लगे, यहाँ तक मैं 5 बार कोविड से ग्रसित हुआ था, 5 बार
सरकार क्या मुझको इनाम दी? नहीं दी इनाम। मेरे जाके देखिए आप कोविड के एंटीजन की रिपोर्ट देखिए मेरा। मैं 5 बार कोविड से ग्रसित हुआ लेकिन लगातार मैंने ड्यूटी किया। क्या सरकार इसका हिसाब देगी? क्या हमको परमानेंट करेगी? क्या हमको कम वेतन में काम कराएगी? यहाँ तक सरकार 2022 से लेकर 2024, अभी 2024 जो सरकार थी, सुबह के 4 बजे से अम्बेडकर नगर में, हमारे जितने भी कर्मचारी थे उनको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए गांव गांव भेजा गया था। कौन देगा भाई साहब? उन कर्मचारियों का पेट्रोल का दाम कौन देगा? देगा कोई है हिम्मत वाला? इसका पैसा मिलता? एक भी पैसा नहीं दिया गया है। आज भी जन चौपाल के माध्यम से सरकार कहती है जन चौपाल में स्वास्थ्य विभाग के लोग जाइए, कार्ड बनाइए। कार्ड कहाँ से बनाए? कितने ऐसे कार्ड कहाँ से बनाया जाएगा? उन कर्मचारियों को पैसा कौन देगा? और रही बात कोविड के दौरान उन बच्चों की जो भर्ती की गई, आज जो रोड पे आ गए हैं आउटसोर्सिंग से भर्ती की गई, तो उसमें एनम है, ELT है, OT है, ऑपरेटर है, उन लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? उनको 1 महीने का लालीपाप दिया जाता है? अरे शर्म करो, अरे ऐसे शर्म करो चुल्लू भर पानी में जाके मर जाओ। अरे जागो सरकार, जागो। नहीं जागोगे तुमको इनाम मिलेगा, ऐसा इनाम मिलेगा। अभी 2024 का इनाम मिला है सरकार को, अब 27 में ऐसा इनाम दूंगा ना, 27 में ऐसा इनाम मिलेगा शायद चुल्लू भर पानी में मरने का भी नहीं तुमको। आप कहाँ? क्या कुशीनगर से? कुशीनगर ये नाम है संविदा में? आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि हमको परमानेंट किया जाए सैलरी, और हमारी 14,000 सैलरी है, 5 साल से काम कर रहे हैं, 2019 से ज्वाइनिंग है, और हम लोग से रात दिन काम लिया जाता है, रात में जब देखो तब फीडिंग करो, बच्चे के टाइमिंग है आपकी फिक्स? नहीं, टाइमिंग कोई फिक्स नहीं, जब तभी बुला देते, कभी 5 बजे नाइट में भी कोविड में हम लोग को ड्यूटी कराई, क्यों नहीं सैलरी बढ़ाई? एक परमानेंट जितनी करती है 4 संविदा करती है, क्यों नहीं परमानेंट कर रहा है हम लोगों को? बताइए हम लोग का शोषण हो रहा है कि नहीं? आयुष्मान कार्ड के लिए हम लोग जब तब हम लोग को फील्ड में ड्यूटी लगाई जाती है, हर क्षेत्र में हम लोग का इतना दूर दूर है, कोई हम लोग को देता है सामान? दूसरे देशों में लेक्चर दिया जाता है कि लोगों पे कर्मचारियों पे शोषण हो रहा है, अपने देश में तो खुद ही शोषण हो रहा है अपने अंदर से। अभी कोई बाहर आया? अभी तो कोई बाहर नहीं आया है, MD मैडम से बात करने के लिए गए हैं। नहीं अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अभी 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 अभी, अभी MD NHM जो है उन्होंने जो बुलाया है बात करने के लिए, वार्ता चल रही है, कुछ निकल के जो आउटपुट आता तो हम आपको बताते हैं। लेकिन हम लोगों की मांगों में विशेष मांग है, जितने भी NHM के अंदर कार्यरत जो डॉक्टर हैं, आयुष डॉक्टर हैं, RBSK में जो लोग हैं, उसमें भारी वेतन विसंगति है। जैसे एक आयुष का फार्मासिस्ट 13,000 रुपये पाता है, और वहीं पर अगर कार्यरत जो है दूसरे अगर किसी वर्ग में कार्यरत है तो वो 26,000 रुपये पाता है। सेम ऐसे ही जो RBSK में आयुष डॉक्टर जो है 32,000 पाता है। क्यों, मतलब इतना डिफरेंस? इतना डिफरेंस ये सरकार की नीति है, जो गलत नीतियाँ हैं उसकी वजह से जो है कर्मचारी जो है परेशान हो रहे हैं। मैम हम यहाँ कानपुर से हैं, और हाँ, लेकिन जो उन्होंने कहा है आपसे अभी बात क्या कहना चाहिए? मेरा नाम विजय कराना है और मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ NHM संघ का, यानी नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का। तो हमारी दरअसल में यहाँ 11 सूत्रीय डिमांड है। सबसे पहले डिमांड हमारी ये है कि जो हमारे COVID-19 के साथी हैं, जिनके पद से उन्हें हटा दिया गया, उनकी जॉब छीन ली गई, जब कोविड का समय आया तो उनकी उन्हें जो उनसे काम लिया गया 3 साल, और जब उनकी जो है ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उन्हें मक्खी की तरह दूध में से मक्खी निकाल देते हैं तो फेंक दिया। ये हमारी मांग है, क्योंकि हम जॉब में हैं, वो इस समय जॉब से रिक्त हैं, यानी उनके हाथ में जॉब भी नहीं है। कहाँ पोस्टेड हैं सर आप, और क्या पद? मेरा पद है प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश NHM कर्मचारी संघ, और मेरा पोस्टिंग है जिला मेरठ में। और मैं ये देखता हूँ कि सरकार की नीतियाँ इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि कर्मचारी का शोषण हर स्तर पर हो रहा है, स्पेशली NHM कर्मचारी संघ, जो कि लगातार 15 वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं लगातार, और वो स्थायी कर्मचारी से भी ज़्यादा कार्य करता है, और उस पर जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, वो सारे करता है, और टाइम लैग भी उसका सुबह 9 बजे से 8 बजे से शाम को 5 तक रहता है। इतना सब कुछ समर्पण, मांगे नहीं पूरी होती हैं तो क्या? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम यहीं पर स्ट्राइक में बैठेंगे, और अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का हमारा विषय है अभी। लेकिन अंदर MD मैडम के साथ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश महामंत्री की वार्ता जारी है। हमारी मांग ये है कि जो हमारी डिमांड है ग्रेड पे की, HRA की, DA की, और हेल्थ बीमा यानी स्वास्थ्य बीमे की,
ये हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और अपने जो ट्रांसफ़र है गृह जिले में, जो हमारी माता बहनें बहुत से 500-500 किलोमीटर दूर अपने गृह जिले से दूर काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनका ट्रांसफ़र अपने गृह जिले में होना चाहिए, जिससे कि उन्हें मतलब उन्हें सहूलियत हो और उनका पैसा बचे और सरकार की नीति। जी जी, तो कहते हैं कि कहते हैं ना कि भगवान के रूप में डॉक्टर्स हैं धरती पे जो आपकी सेवा करते। कोविड जो 19 देखा हमने, बाहर कोई नहीं निकला, सिर्फ डॉक्टर्स थे जिन्होंने आपकी जान बचाई। परिवार ने जब हाथ खींच लिया तो यही डॉक्टर्स यही नर्सेस थे जो मरीजों को अंतिम संस्कार तक लेके छूने तक अपने परिवार को छोड़ कर आए हैं, उनको मेहनत से उनको सही किया है। तो आज ये कहीं ना कहीं परेशान है, तो कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हर एक आम इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि इस खबर को ऊपर तक पहुंचाए, इतना वायरल करे कि जो अपने परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़े, डॉक्टर्स आए हैं जिनकी पोस्टिंग दूर हो रही है, वो कुछ नहीं मांगते, उनको चाहिए उनका वेतन, उनको सामान्य चीज चाहिए, और जो वो दे रहे हैं और जो हम उनको दे सकते वो सम्मान दे सकते हैं। ये लोग जो फेस करते हैं, कोई फेस नहीं करता। कभी कभी आपका मरीज नहीं ठीक होता तो आप गाली भी दे लेते हो, मारपीट कर लेते हो, सब फेस करते, प्लस अपने ऊपर अधिकारियों की बातें फेस करते, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको वेतन भी नहीं मिल रहा। तो आज हमने आपको दिखाया कि पूरे जिले से लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, 15 सूत्री मांगे हैं इनकी, और इनमें से कुछ भी पूरा होता तभी आज यहाँ से निकलेगा, नहीं निकलते हैं ये लोग, इनका कहना है वरना घेराव फिर से करें। तो बने रही हंगामा टाइम के साथ, नमस्कार, मैं एकता आपसे देता हूँ, नमस्कार।